everyone who are joined this amazing sensational session. आज वो दिन है जिसका सबको बहुत बड़ा इंतजार रहना चाहिए, रहना होता है एक्चुअली में. अगर हम बीच में कोई एक दिन कभी मिस हो जाता है हमसे, तो वो 10वें दिन का ये जो प्रोग्राम अटेंड करके आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हैं, आप एक्साइटेड हो सकते हैं, आपके जर्नी एज एलवेज जैसा था वैसे चलने लगता है. सो जितना जल्दी हो सके आप स्टे ट्यून, स्टे फॉरवर्ड, बिल्कुल आप रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ. और आज हम वो सबसे एक्सपीरियंस पर्सन से सुनने वाले हैं. आज गट रिसेट का वो 10वां दिन जिसमें हम लोगों ने और भी बहुत कुछ होने वाला है. जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आएगा आज का सेशन अटेंड करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए एक्सपीरियंस भी आपको सुनने को मिलेंगे आज. और आज के सेशन को जोरदार शुरुआत करने वाले हैं हम उनके साथ, जो कि सच में ग्रेट पर्सन है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है और बेस्ट हेल्थ कोच है. ओ, उनका एक्सपीरियंस ही इतना जबरदस्त है कि आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, उनका वॉइस ऑफ टॉकिंग कितना क्लियर है. और आपको अगर बस आप अटेम्प्टिव सुनते हैं, वीडियो ऑन करके सुनते हैं, तो और ज्यादा बेस्ट है. सो लेट्स वेलकम, यस, वेरी वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन मिस्टर मदनलाल पंडा सर फ्रॉम बरगढ़, फ्रॉम नौपाड़ा. यस वेलकम सर इन द जूम स्क्रीन. थैंक यू डॉक्टर पहारी जी, आपने तो मेरा इतना इंट्रोडक्शन कर दिया कि अब मैं तो फुल फुल समा नहीं रहा हूँ. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पहारी जी, एंड थैंक यू टू रिवाम नेशन. आज एक्चुअली रियली आज ही बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आपने जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, गट सेट का एक पड़ाव पार कर चुके हैं. तो हम उसका रिकैप भी करेंगे, लेकिन पहला कि जो शुरुआत किए थे हम गट रिसेट में, न्यूट्री 360 में, मैंने क्या पाया. तो ये फ्रेंड, मैं एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे टेंशन में था. और ये मैं 2014-15 की बात बता रहा हूँ, वहीं से मेरा एक हाई बीपी डेवलप हुआ. जैसे हाई बीपी होता है, जैसे हेड रिलिंग हुआ, ऐसा कुछ मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है. मैं चला गया अपोलो हॉस्पिटल, वहीं से बहुत सारे जांच होने के बाद वहाँ एक डॉक्टर पात्रा बोलते थे, अभी भी मेरे को याद है. तो सब देखने के बाद, अरे ये सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन हाई बीपी कैसे है, आप क्या करते हैं, मेरे पूछा. नहीं तो मेरा जॉब यही है. तो बोले कि आप एक काम कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तला हुआ चीज मत खाइए, तो आप लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो ये हो सकता है, नहीं तो आपको एक बार शुरू करोगे दवा तो जिंदगी भर खाना. बोला तो जिंदगी भर में खाना नहीं है सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट. वहीं से एक एक्सरसाइज का साइकिल में खरीद के ले आया घर में, जैसे होता है कुछ एक दो महीना किए, डाइट भी थोड़ा कंट्रोल किए, फिर जैसे होता है वैसे फिर 2-3 महीने फिर बीपी बढ़ता है, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर खाना कुछ कंट्रोल, फिर कहीं ऐसे फिस्ट हो गया, भोजी हो गया, वहीं से खाना. तो ये सिलसिला चलता रहा, 2-3 महीना बीपी डाउन, 2-3 महीना फिर हाई, ऐसे कुछ. एक बार तो सोचा कि चलो यार मेडिसिन खा ही लेते हैं, फिर सोचा नहीं लिक्विड्स, मैं कभी भी मेडिसिन नहीं खाया. लेकिन जैसे न्यूट्रीली 360 आया फ्रेंड, उसमें जो तौर तरीके का खाना पीने का, पानी पीने का, एंड गट रिसेट कैसे किया जाता है, उसके सब एडप्ट करने के बाद आप एक पूरा टोटल नॉर्मल है. अभी लगभग 8 महीना 9 महीना हो गया, आई एम लीडिंग नॉर्मल लाइफ, कोई मेडिसिन नहीं, दवाई नहीं, 20/80 लीड कर रहा हूँ. तो फ्रेंड ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बड़ा है. सोच सकते हैं कि जिसको हाई बीपी है उसको पता है क्या होता है, कभी हाई बीपी शूटअप हो जाए तो जैसे उसका डर रहता है पैरालिसिस होने का, अगर ज्यादा मेडिसिन खाया तो उसको लो हो जाता है, वो भी उसको डर रहता है, ये एक डर के माहौल में जीते हैं. लेकिन फ्रेंड हम आज पूरा एकदम फ्री है, हेल्दी है, एंड बीपी जो हाई था अब नॉर्मल है. तो ये बेनिफिट है फ्रेंड, बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे लगे, ये मेरे के लिए मेरे अनुभव है. लेकिन चलते हैं फिर आज की जो टॉपिक है, हम 1 से 9 दिन हो गया तो हम क्या सीखे. पहला दिन हम सीखे फ्रेंड फिलोसफी ऑफ गॉट हेल्थ,
हाँ बहुत सारे नए लोग होंगे कि गट क्या था, क्या है गट, गट बोल रहे सब लोग, गट या नट है सब कुछ, लेकिन अभी पता चला कि गट ही हमारे सेकेंड ब्रेन ऑफ ब्रेन ऑफ आवर हेल्थ है। तो डेफिनेटली जितने सब जितने क्लाइंट, जितने प्रोस्पेक्ट है हमारे फ्रेंड, उनको भी पता चला कि हमारा जो गट क्या है, फिलोसफी ऑफ गट हम पहले दिन सीखे, उसका 9 मीटर या 30 फीट्स गट्स है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमको फ्रेंड पता चला। देन सेकेंड डे में हम देखे कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, योगा, ये सब कैसे बेनिफिट होता है। 30 मिनट्स मिनिमम 5 डेज हम एक्सरसाइज क्यों करना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज करें सो दैट हमारा गट रिसेट हो। थर्ड डे में हमने सीखे हेल्दी फूड प्लेट, हम सीखे कि हमारे खाना को कैसे सजाया जा सके, घर में जो चीज है उसके ही हमें गट के ऊपर खाना बना सकते हैं, प्लेट को सजा सकते हैं। हम देखे हैं बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा प्लेट भी ग्रुप में डाल रहे थे, लेकिन ये 10 दिन का नहीं है फ्रेंड, ये जिंदगी भर का है, इसको एक हैबिट में लाना है सो दैट हमारे गट हाउ ऑलवेज ठीक रहे। देन चौथा दिन में हम देखे बेनिफिट ऑफ प्रीबायोटिक, फाइबर के बारे में पता चला, फाइबर व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर, हम उसके उसके बारे में पता चला, आपका फूड में जो फाइबर है एंड इनसोल्यूबल फाइबर, सोल्यूबल फाइबर, इस सब के बारे में पता चला, तो क्यों हमको फाइबरिक फूड या सप्लीमेंट लेना जरूरी है। देन फिफ्थ डे में हार्श रियलिटी बारे में पता चला हमको कि क्या क्या चीज लेना है बाहर से, मैं मार्केट से कैसे खरीद ले, मार्केट से लेके हमारे किचन तक फ्रेंड कैसे उसको हम बारीकी से देख सकते हैं और सजा सकते हैं, उसके बारे में पता चला। स्मोकिंग, अल्कोहल से कैसे दूर रहें, ये इसके बारे में हम पता चला फ्रेंड। सिक्स्थ में हमको चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल फैट एंड प्लांट बेस्ड फूड, फूड बारे में हमको सीखे, तो हमको कौन सा बेहतर है चूज करना है हमारे गट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, तो उसी हिसाब से हमको फ्रेंड चूज करना है। देन 7वां दिन में हम सीखे फ्रेंड कलरफुल वेजिटेबल्स, बहुत ही हमारी आज का होस्ट जो शायद वो बताए थे कि हमारे प्लेट को कैसे कलरफुल बनाए, कौन सा कलर में क्या क्या बेनिफिट है, ये सब हमको सीखे, तो डेफिनेटली इसको भी हमको एडप्ट करना है। देन 8वां दिन में द रोल ऑफ माइक्रो बायोटा के बारे में सीखे कि उसका जो वजन है, वेट है, वो लगभग 2 केजी है, आप समझ सकते हैं हमारे आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 केजी ऑफ माइक्रोबाइटा है, और उसका परसेंटेज होना था 85% गुड बैक्टीरिया एंड 15% बैड बैक्टीरिया, ये बैलेंस है, उसको हमको मेंटेन करना है, वो उसके बारे में सीखे। देन फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट 9th डे में हमने सीखे तो माइंडफुल ईटिंग, तो है कैसे हमको माइंडफुल ईटिंग करना है, अगर कैसे 32 मिनिमम 32 टाइम्स उसको च्यू करना है, जो खाने का स्वाद है उसको एंजॉय करना है, तब जाके फ्रेंड हम सीख सकते हैं कि हम एक्चुअली जो जो खाने का रस है बोलते हैं ना, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी है हमारे शरीर में फ्रेंड, वो एसिमिलेट हो सकता है या हमारा शरीर उसको एडॉप्ट कर सकता है फ्रेंड। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस विजिबल तो जो कुछ हाइलाइट्स हमने देखे कि पहला गट है दी फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ, ये हमने सीखे फ्रेंड, देखे कि हम जो गट है हमारा हेल्थ का फाउंडेशन है,
तो डेफिनेटली उसी को जो फाउंडेशन हम जैसे मकान बनाते हैं ना फ्रेंड, हम क्या देखते हैं पहले तो हमारा फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है उसके ऊपर कितना मंजिला मकान खड़ा हो सकता है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड हमारे गॉड को रिजर्व फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ है, और उसके डेफिनेटली जो फिलोसफी हो हमारा गॉड के बारे में हम सीखे उसको जरूर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और ये 10 दिन का जर्नी नहीं है, ये आगे चल के फ्रेंड होल लाइफ को उसको मेंटेन करना है। देन फ्रेंड आपको फोकस क्या करना है, जो हेल्दी गॉट है, जो माइक्रोबायोटा है, उसको हेल्दी कैसे रखें। आज तो 10 दिन हम रख लिए, आगे कैसे रख के उसके बारे में फोकस में रहना है, उसको सप्लीमेंटेशन करना है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक उसको हम उसको खाना देना है। ये क्या होता है जैसे हम नॉर्मल लाइफ में फ्रेंड बहुत सारे घर में भी हम प्रिजर्वेटिव फूड्स ले आते हैं। हमने अभी एक होटल में गए थे फ्रेंड, एक फेयरवेल मीटिंग था, तो वही बहुत सारे खाना लगा हुआ था, उसमें देखा कि इतना प्रिजर्वेटिव डाला हुआ था आपका विनेगर से लेके बहुत सारे। तो उसमें हमारे मन में स्मेल से पता चल जाता है कि फ्रेंड इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है, उसको खाना नहीं चाहिए। तो हमको भी जहां जहां जाते हैं हमको हमके जो 10 दिन में आगे चल के भी हम इंटेंसिव में सीखेंगे, जो फूड का क्वालिटी है, जो उसका असली स्वाद है, वो कहाँ मिलेगा उसको। अगर हम जो हमारे जो स्मेल है या हमारे जो बोलते हैं अघ्राण शक्ति है उससे हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज गुड फॉर आवर माइक्रो और हमारे हेल्थ के लिए गट के लिए कौन सा है, उसी खाना के हमको फ्रेंड लेना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल को हमको आगे जैसे हम सोचते हैं ना कि बहुत आशीर्वाद भी देते हैं बड़े लोग, जीते रहो या लंबी उम्र बढ़े, ये सब आशीर्वाद क्यों देते हैं। तो लंबी उम्र के साथ हेल्थ भी लेके जाना है, अगर हम हेल्दी रहें और ज्यादा दिन बचे तो हम कुछ काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए हमको पहले से ही उसको ध्यान देना है। देन एक टारगेट रखना है कि हम हमारे जो गॉट माइक्रोबायोट है उसको हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी के साथ हम उसको कैसे हासिल करें, और उस जो 85% गुड बैक्टीरिया 80% बैड बैक्टीरिया के जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकें, उसी टारगेट के साथ हम काम करेंगे। उसका जो प्रीबायोटिक है प्रोबायोटिक है सप्लीमेंटेशन है एंड कलरफुल डाइट है, ये सब मेंटेन करके उसके साथ फ्रेंड जो एक्सरसाइज है उसको जो अगर करेंगे तो उसको जो टारगेट करेंगे एम रखेंगे। क्या होता है कि मैंने जो 14-15 से जो कर रहा था कुछ 2-3 महीना एक्सरसाइज, फिर 1 महीना बंद, फिर 2 महीना, ऐसे करना नहीं है उसको रेगुलर मेंटेन करना है कि मिनिमम 5 डेज ए वीक 30 मिनट्स 150 मिनट्स हमको एक्सरसाइज करना ही करना है। तो डेफिनेटली उसी टारगेट में चलेंगे तो हम हमारा हैबिट बन जाएगा और एडवांस हैबिट हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम उसको हासिल कर सकते हैं फ्रेंड। देन फ्रेंड हमने क्या सीखे, जैसे बता रहे थे कि फास्ट है लिसन टू योर गॉट, उसको हम लिसन करना है, सुनना है, हमारा गॉट की आवाज सुनना है, तो वो क्या मांग रहा है उसको देना है, उसके खाना उसको देना है फ्रेंड, जो जो खाना उसको गॉट को बढ़ाने में उसको बढ़ने में जीने में उसका परिवार को बढ़ाने में मदद करे वही खाना देना है, उसको नर्चर करना है फ्रेंड, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उसका जो गुड बैक्टीरिया है उसको उसका एक एनवायरमेंट देना है, उसको खाना देना है, तो डेफिनेटली उसको हम सुनना है, अगर सुन ले तो डेफिनेटली उसको नरिश करने में हम मदद कर सकते हैं उसको। अगर एक बार नरिश हो गया तो फ्रेंड उसको उस गट को मोशन में लाना है, मोशन कैसे लाएंगे फ्रेंड, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जो हमने सीखा है फ्रेंड जो गट के लिए अच्छा है उसी एक्सरसाइज उसी योगा हमको करना है, रात को मेडिटेशन भी करना है फ्रेंड, डेफिनेटली हम उसको आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड। देन जस्ट एम्ब्रास द पावर ऑफ फाइबर, जो आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं या आपको जो वेजिटेबल्स में है फाइबर उसको उसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल है उसको छिलका को हम छील देते हैं, उसी को भी फ्रेंड हमको दी होल वेजिटेबल्स को हमको लेना है आगे चल के, ये भी आपको एक दो टॉपिक में मिल जाएगा। देन फ्रेंड जो हमारे जो गॉट है उसको हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल्स है उसको हम एडॉप्ट करना है, तो अगर हम उस लाइफस्टाइल हम एडॉप्ट करें तो डेफिनेटली हम गॉट को ठीक रख सकते हैं।
फ्रेंड हम जो प्लांट बेस्ड डाइट है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसको हमको एडॉप्ट करना है, वेगान बनना है, तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। अनदर फ्रेंड, जो गॉट को हेल्दी रखने के लिए जो जितने भी जो एंशियंट है, जो दादी माँ का रेसिपी था, ये सब हमको एडॉप्ट करना है। देखिए पहले क्या होता था, जो आपका मिट्टी के बर्तन में कुक करते थे, अभी भी करते हैं, जगन्नाथ मंदिर में मिट्टी के बर्तन में ही करते थे, उसमें जो स्वाद था, और चूल्हे में जो करते थे तो वो एक स्लो आंच में रोसे करते, तो घंटों टाइम लगता था, लेकिन जो उसमें जो स्वाद था, जो विटामिन्स मिनरल था, उसको अभी भी एडॉप्ट कर सकते हैं। और अगले साइड में आपको बताऊंगा कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, उसी विटामिन्स मिनरल्स हम अभी भी पा सकते हैं। तो वो ही एंशियंट विजडम को फ्रेंड अभी भी एडॉप्ट करना है। देन फ्रेंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे कि माइंडफुल ईटिंग से करना है, माइंडफुल ईटिंग भी करना है फ्रेंड, माइंडफुल आपको कुकिंग भी करना है। ये दो चीज मिल जाए तो डेफिनेटली हमारे शरीर में बहुत, घर में एक खुश मिजाज से रसोई करते हैं, हमारे बच्चों के लिए रसोई करते हैं, खुद की जरूरत आपका कुक करते हैं, तो एक भावना, एक अच्छा भावना आता है, उस भावने के साथ हम रसोई करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। एंड उसको अगर माइंडफुल ईटिंग करेंगे, मिनिमम 32-33 बार च्यू करते हैं, तो खाने के बाद आप जमीन में बैठ के खाएंगे, एंड कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, तो हम खाने के स्वाद भी ले सकते हैं। ईच ईच वेजिटेबल्स, ईच दाने के हम स्वाद जब लेंगे फ्रेंड, ये आपका मुंह से लेकर डाइजेशन तक, जितना भरपूर विटामिन्स मिनरल्स है, जितना स्वादिष्ट है, सब फ्रेंड हमें एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाके फ्रेंड हमारे शरीर में कुछ फायदा होगा और आगे चल के हम एक स्वस्थ लाइफ लीड कर सकते हैं। जब भी हमारे मील को सोचते हैं तो फ्रेंड वहाँ कलरफुल होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए। आजकल पर्पल है, व्हाइट है, रेड है, ग्रीन है, ये सब जितने भी वेजिटेबल्स आज मिल रहे हैं फ्रेंड मार्केट में, उसको खुद जाके परचेस करके फ्रेंड हमारे प्लेट को हरा भरा कर सकते हैं, सजा सकते हैं एक रेनबो कलर की तरफ। तो लेकिन ईच कलर का वेजिटेबल का बहुत डिफरेंट टाइप का हमको बेनिफिट देता है, तो उसको हम एडॉप्ट करना है फ्रेंड। देन फ्रेंड, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसको डेवलप करना है, आज भी करना है, जो 10 डेज हम लोग किए हैं उसको आगे भी जारी रखना है। मैं बोला था कि लाइफ स्टाइल को पूरा लाइफ तक उसको एडॉप्ट करना है। एक 10 दिन में किए, फिर 1 महीने छूट जाएगा, फिर जैसे लगेगा गड़बड़ हुआ है, फिर 10 दिन में ऐसे नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, एक हैबिट डेवलप करना है उसका, तो आगे चल के फ्रेंड हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे जो गट हो उसको नरिश करना है, हेल्दी प्लेट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन। अभी देखिए हाइड्रेशन के बारे में भी एक क्लास था, कैसे हमको शरीर को हाइड्रेट रखें। अगर सर आपको प्यास लग रहा है, अगर थास्टी लग रहा है, तो आपका एक मन डिहाइड्रेट हो चुके हैं। बिना प्यास से अगर पानी पी रहे हो, तो इसको हाइड्रेशन आप रेगुलर कर रहे हैं। बिना पानी आपका शरीर मांग रहा है, तो एवरी हाफ एन आवर में एक 50 ml 100 ml एक सिप सिप ले सकते हैं। अगर मान लो कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आपको थर्स्ट लग रहा है, पानी सख्त जरूरत है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरे को ये डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो इसको माइंड में रख के हम खुद को हाइड्रेट करते रहे। अनदर मीन्स माइंडफुल, बी माइंडफुल, आपको कुकिंग में भी, खाने में भी माइंडफुल रखना, चलने में भी। कुछ सोचते से बहुत सारे लोग चलते चलते कुछ सोच 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 के चलते हैं, वही भी नहीं है। ऑलवेज बी माइंडफुल, खाने में टाइम में, कुकिंग में टाइम में, चलने में टाइम में, काम करने के टाइम में भी माइंडफुल होता है, डेफिनेटली हम शरीर को लिए एक अच्छा। देन फ्रेंड, आपको जो असेसमेंट करना है, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये 10 दिन में आप डेफिनेटली फ्रेंड कि किसी ने 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम भी किसी ने वजन घटाया होगा, या जैसे मेरे जैसे कुछ हाई बीपी वाले होंगे तो उसका बीपी में थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ दवाई या कुछ का ब्लोटिंग हुआ होगा तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको आप मॉनिटर कीजिए, असेसमेंट कीजिए, तो उस फॉर्म में तो देखिए कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड आगे चल के वो आगे कितना इम्प्रूवमेंट होगा उसको भी हम असेसमेंट करना है। देन फ्रेंड, आज से कल से हम शुरू करेंगे इंटेंसिव फेज, आप रेडी हो जाइए, आपके जो
जो भी आपको इसमें इनवाइट किए हैं इस ग्रुप में रिवाम नेशन में, उसके साथ बैठिए फ्रेंड एक साथ। इंटर्नशिप फेज में क्या करना है, कैसे जाना है, क्या क्या लेना है, क्या ले लेना है, आप कोच के साथ बैठ सकते हैं, उसके बात कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। कल से जो इंटेंसिव फेज है 30 दिन का, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे फ्रेंड्स। देन फ्रेंड जो अभी बता रहे थे कि जो एंशियंट दादी माँ जैसे कुकिंग को, उसको हम फिर से एडॉप्ट करना है। द कुकिंग इज द फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर हेल्दी कुकिंग। तो डेफिनेटली उस जर्नी में जो गट रिसेट हो या इंटेंसिव फेज, उस जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड। तो हेल्दी कुकिंग का पहला तो कि आपको जो हेल्दी कुकिंग में क्या होता है, प्रिजर्विंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, जितना भी न्यूट्रिशन है वैल्यू है फ्रेंड, वेजिटेबल्स मिनरल्स या हमारे जो फूड में, उसको प्रिजर्व करता है, हेल्दी कुकिंग करते हैं। एंड फ्रेंड जो बेटर कंट्रोल ओवर टोटल एनर्जी फैट एंड शुगर कंटेंट, और उसमें अगर बाहर में जाकर हम खाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, शुगर भी होता है, नमक भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर घर में उसको तैयार करेंगे तो उसमें एनर्जी भी होगा, उसमें फैट भी कम होगा, लेस ऑयल यूज करेंगे, शुगर कम यूज करते हैं। तो डेफिनेटली ये हमको ध्यान में रखना है। एंड घर में बना खाना तो ऑथेंटिक टेस्ट है, अगर बाहर के खाना हम खाएंगे तो वो आर्टिफिशियल टेस्ट होता है, उसमें स्वीटनर लगता है, एसेंस मिलाते हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं, लेकिन घर में जो ऑथेंटिक, इसमें कोई ना एसेंस है ना स्वीटनर है, कुछ नहीं होता है। देन फ्रेंड घर में क्या होता है, हमारे जो कुकिंग का नॉलेज है, स्किल है, जो हमने एंशियंट से सीखे हैं या हमारे दादी माँ से सीखे हैं या माँ से सीखे हैं या सास से सीखे हैं, जो भी है उस फ्रेंड उसको हम यूज कर सकते हैं और उस विजडम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देन फ्रेंड जो यहाँ होता है कि जो खुद को रुसे करते हैं, यहाँ माइंडफुल के साथ हम कुकिंग करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। देन फ्रेंड जो हम खुद कुकिंग करते हैं तो उसमें जो डाइट क्वालिटी है वो फ्रेंड बढ़ जाता है। क्वालिटी जब बढ़ जाता है तो ये सब हमारे शरीर में आता है। तो फ्रेंड इसमें इतना जो सारा है, तो फिर से हम मिट्टी के बर्तन के तो लौट नहीं सकते हैं, या जो वही बर्तन अवेलेबल है उसमें तो हम बना नहीं सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड हमारे पास है जो राइट न्यूट्रिशन या जो राइट सबको रख सकते हैं, तो उसी के लिए हमारे पास है फ्रेंड एक एमए क्वीन है। तो एमए क्वीन के साथ अगर करते ये सारे चीज वहाँ है, एक हाई ग्रेड क्वालिटी का आयरन एंड क्रोमियम मिला के फ्रेंड 7 लेयर के साथ क्वीन है, तो उसमें हाई टेम्प है, न्यूट्रिशन वैल्यू को उसको प्रिजर्व रख सकता है फ्रेंड, डेफिनेटली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो न्यूट्रिशन फूड है तो हम लेते हैं बेरियर, दैट इज हम उसको तुन है, टाइप ऑफ कुकवेयर क्या है उसको देखना है, कौन सा कुकवेयर यूज कर रहे हैं। अभी बता रहे थे कि मिट्टी के बर्तन से तो हम नहीं जा सकते, एल्यूमिनियम तो कार्सिनोजेनिक है, ये सब फ्रेंड उसमें नहीं। और क्या है जो ट्रेडिशनल है उसमें एक्सेसिव यूज करते हैं, ऑयल है, फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाता है। और कुक में हम हमारे जैसे घर में है कि जो पनीर पूरी पूरा गल न जाए, पूरा टोटली आपका ये करी बनाते हैं वो पूरा दिखना नहीं चाहिए, ये सब सब टेस्ट बोलते हैं, तो लेकिन वो नहीं है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज एमओ क्वीन है, ये परफॉर्मेंस इसका परफॉर्मेंस सुपीरियर है, न्यूट्रिशन वैल्यू प्रिजर्व करता है, लो आंच में होता है, एंड लेस ऑयल या जीरो ऑयल में भी हम कुक कर सकते हैं, जो कि हमारे गार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हम हमारे हेल्थ को आगे जर्नी के तो इंटेंसिव फेज के हम ले जा सकते हैं फ्रेंड। जो आपने कोच है जिसके आप इन्विटेशन किए हैं, उसके साथ आप बैठिए, नेक्स्ट फेज नेक्स्ट 30 डेज हम कैसे जाए, क्या क्या करें, क्या ना करें, तो उसे आप बैठ के बात कर सकते हैं फ्रेंड। दिस इज फ्रॉम माई साइड, फिर से हम कल मिलेंगे एक इंटेंसिव फेस के साथ। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच सर। बिग क्लैप्स होने चाहिए सर के लिए।
उन्होंने 10 दिन को आज एक ही दिन में बहुत अच्छे से बता दिया कैसे हम अपने गट को सुन सकते हैं, कैसे उसको नरिश कर सकते हैं। आप अपने काम करते करते, आप मोशन में रहते हुए अपने गट का कैसे ख्याल रख सकते हैं। पावर ऑफ फाइबर, क्या मिरेकल चीजें हैं, क्या काम करता है गट में जाके ये फाइबर, उनके बारे में उन्होंने बताया। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी गट, यस, आप अपना लाइफ स्टाइल को कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं। देन आप कैसे आप नेचर ने हमको जो दिया है उस चीजों को हम कैसे इस्तेमाल, प्लांट बेस्ड फूड को हम अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करके कैसे हम उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कितना अच्छे से उन्होंने बताया कि हम हमारे पुराने समय में हमारे एंशियंट जो लोग थे उनका गट और हमारे गट में कितना डिफरेंस आया है, वो पूरा हेल्थ जर्नी भी हम लोगों ने देख लिया। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे चीजें हम लोगों ने सुना अभी। हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज के सेशन में हम उनसे भी मिलेंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो बताएंगे कि इन 10 दिनों में उनका क्या एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, यहाँ पे हेल्थ कोचेस जितने बैठे हैं उनका एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, लेकिन नए लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको और ज्यादा इंस्पायर करेगा। हम इसी में, हम एक पर्सन है हमारे काफी दूर रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, बाय प्रोफेशन वो लेक्चरर हैं, टीचर हैं, लेकिन देखिए आज हर कोई एक कहीं ना कहीं किसी फेज में जाके अटक जा रहा है, अनहेल्दी हो जा रहा है। सर ने भी अभी अभी हमको बताया कि कैसे वो अपने जॉब शेड्यूल और बहुत सारे ऐसे शेड्यूल के वजह से हाइपरटेंसिव को कैसे हुए, और हाइपरटेंसिव को ये प्रोग्राम से कैसे रिवर्स किए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। ऐसे ही हमारे पास हैं एक नए पर्सन जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। मिस्टर हेमंत कुमार जी, अगर हम आपको आप हमको सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके आइए। मिस्टर हेमंत कुमार जी, भरतपुर। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ गए। आप सुन पा रहे हैं सर? वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पे हम उनको तो सुनेंगे ही। अगर कोई ऐसे जो इस अमेजिंग जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जो जिन्होंने भी ये चीज अपना शेयर करना चाहते हैं, तो हमें आप वो अनम्यूट होके सीधे आ सकते हैं। वो हम उनको को होस्ट करके उनको हम उनकी 2 मिनट का जी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस सुनेंगे। प्रभाकर जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे तरह आपका भी हाइपरटेंशन में है और आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो अनम्यूट कीजिए प्रभाकर जी। Now on mute. You can all on mute. Yes, please unmute yourself and please share your experience. पृथ्वीराज पाइकराज जी हैं, हम उनको इनवाइट कर सकते हैं सर। यस यस, प्लीज कम सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम पृथ्वीराज फ्रॉम इंद्रावती नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट। थैंक्स।
By profession, I am a correspondent of the Samaj. I am working on corner of Nawrampur district. Power off. Previously, I have no basic idea regarding court reset, but after advice of Bhavani Babu and Santosh Ma'am, when they visited here on this month of 2nd March, then I have started the daily practice. On 2nd March, I was 85.2 kg by weight, but now I have reduced my weight from 85 to 82 kg. It is a great pleasure for me, and I have practiced regularly. I have taken infusion water, fiber, as well as pre-probiotic capsules. Daily routine habit also, I have not taken sugar. Since last 15 days, I have forgotten sugar. Of course, I have taken 1 cup of tea daily, but it is without sugar. And the food practice also, very less quantity of oil, and it is prepared through amoxicillin vessels. So the food quality is much better than other outside food. In my profession, it is big surprise for me. Everybody has also surprised, because I was at Kasagumada yesterday and everybody has taken their lunch with pious sugar content items, but I never taken the sugar content foods. As well as after consuming the lunch, everybody has taken cold drink, but I have not taken. Of course, I have not taken the cold drink previously also. After getting advice from various sources and regular, I have seen the program, especially Dr. Rameshwar Pahari sir, Madanlal Ponda sir, Bhavani sir, as well as so many health advisors, those have shared their practice and their valuable advice they have given. I follow them. Now I became very happy. And I have to go to advise everybody to do regular practice of my daily livelihood and daily needs of our Better Health Revamp Nation program. I thanks to Amoy family, especially Bhavani Babu, Pahari sir,
Prakash Khemka sir and all team of our member. In future also, I'll continue my regular practice. Thanks to everybody. वाह ग्रेट ग्रेट शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच सर. आपका ये जो एक्सपीरियंस है हमारा बहुत काम आने वाला है. आपने सच में ये 10 दिन के सफर में आपने वेट भी 3 किलो से ज्यादा वेट कम किया. आपने फूड क्वालिटी को सीखा, आपने कैसे आप अपने आउटसाइड जो फूड्स थे कैसे उनको अवॉइड किया और कैसे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. हम इसी कड़ी में और सुनेंगे. यस मिस्टर हेमंत कुमार सर. यस सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर विजडम फॉर 10 डेज एक्सपीरियंसेस. शायद आज उनका नेटवर्क अनस्टेबल है, फिर से डिसकनेक्ट हो गए. मेरा नेटवर्क बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है सर, नेटवर्क जो है. गुड मॉर्निंग सर. हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए सर. बार बार लॉग आउट हो जा रहा है सर, कोई नहीं कोई नहीं सर, बताइए. जी जी सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी सर को, थैंक यू धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मुझे इस हेल्थ जर्नी में ला करके जुड़े और जुड़ करके सर मैं अपने इसमें बहुत कुछ मुझे बेनिफिट मिला सर. इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर आपको, जो मेरा इसमें रूटीन में बदलाव हुआ और उससे बहुत बेनिफिट भी मिला हुआ है. तो सबसे पहले सर मेरा रूटीन में बदलाव हुआ क्योंकि जो सुबह थोड़ा सा. चलिए उनका नेटवर्क का इशू है, हम उनको फिर कभी सुनेंगे. मदन सर अभी आने वाले हैं, कोई और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. प्लीज अनम्यूट है सब, कोई बिल्कुल आ सकते हैं. शॉर्ट में नेम प्रोफेशन एंड व्हाट इज द मेन क्यू, उनको क्या मेन चीज 10 दिन में क्या ऐसा उनको साथ हुआ. यस yes. हमारे क्योंकि जी, जी. मेरा नाम exercise... जी यस यस कंटिन्यू सर. इसमें जुड़कर मुझे बहुत बेनिफिट हुआ. मेरे खाने के रूटीन थी उस परिवर्तन है और जो माइंड को खाना हुआ. बीपी मेरा हाई रहता था तो बी हाई रहता था सर, एक्सरसाइज और रूटीन और खाने में बदलाव किया वो मेरा बीपी जो था वो नॉर्मल आ गया. तो उसमें बहुत कुछ उसमें बदलाव हुआ. और सर इसमें मेरा जो है शारीरिक प्रॉब्लम जो होती थी, कमर में दर्द जो होता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वेट गेन हुआ सर. वेट मेरा जो है कम से कम इसमें 3 से 4 से 5 किलो तक मेरा वेट कम हो गया जी. तो इसमें हार करके सर बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ. थैंक यू सर. ओके सर थैंक यू. जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होता था सर उसमें भी मुझे बेनिफिट मिला हुआ है तो काफी फायदा हुआ. तो इसमें जुड़ करके सर मुझे एक ही यही लगा कि इसमें आम के आम और गुठली का दाम जो है, क्योंकि हेल्थ जर्नी जो किया क्योंकि शारीरिक बदलाव और स्वास्थ्य तो मिल ही रहा है सर, उनके साथ साथ अपने सपने पूरे करने के लिए जो है हमने बिजनेस भी मिल रहा है. तो दोनों इसमें दोनों तरफ से फायदा हुआ सर. थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू सो मच. हम आपको बहुत अच्छे से सुन पाए, आपका एक्सपीरियंस भी हुआ, आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हुआ. आप इस हेल्थ जर्नी पे बने रहें, आगे का जो 30 दिन का जो जर्नी इंटेंसिव फेज आने वाला है चमत्कारिक है आपके लिए. पूरे जीवन आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके जितने भी नियर एंड डियर है उनके लिए बिल्कुल बहुत मोटिवेटिव है. अभी और कोई हेल्थ शेयर करेंगे हम, क्योंकि हमारे योगा कोच रेडी कर रहे हैं, रेडी हैं, तो हम 2 मिनट और सुन सकते हैं अगर कोई शेयर करना चाहे. मैम संतोषी मैम प्लीज अगर कोई हो तो आप उनको बुला सकते हैं.
नेक्स्ट सेशन में चलते हैं सर. यस सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन. सो प्लीज रेडी फॉर योर योगा मैट और आप बिल्कुल पानी के साथ आप बैठिए. अभी हमारे कोच को हम बुलाते हैं. यस यस ज्योति मैम प्लीज. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल ना? विजिबल क्लियर? यस यस ऑडिबल. ओके ओके. तो योगा स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. सब अपने मैट पे आ जाएं कंफर्टेबल पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हैं कुछ टाइम उस पोजीशन में बैठेंगे. कोई भी आसन हो, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन. ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे. डीप ब्रेथ लेंगे, 3 बार ओम उच्चारण. ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधितमस्तु, मा विद्विषावहे. ॐ अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ कुछ योगी की योगिन के साथ स्टार्ट करेंगे. अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे. यस फ्रेंड्स, एक एक पैर को अप डाउन करेंगे. ऊपर तक, छाती तक घुटनों को लाने की कोशिश. 2 3 4 हाथ के साथ, हाथ भी ऊपर होगा, पैर भी ऊपर होगा. स्पीड विश्राम, रिलैक्स. डीप ब्रेथ लेंगे, छोड़ेंगे. मुंह पूरा बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, छोड़ेंगे. नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए थोड़ा घुटनों के बल बैठेंगे, उठेंगे. सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, सांस लेते हुए उठेंगे. 10 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम, थोड़ा रिलैक्स. नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन. त्रिकोणासन, दोनों पैर में गैप रख लेंगे. सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड को हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं, जो जितना झुक सके. पूरा स्ट्रेच इधर का कमर पोर्शन में होगा. शरीर, अपर बॉडी पूरा स्ट्रेट ही रहेगा. एक सांस छोड़ते हुए हाथ पैर पर,
दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर, गर्दन पूरा ऊपर की और देखेंगे, कुछ देर होल्ड, विश्राम, धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। दूसरे साइड, एक सांस छोड़ते हुए स्लोली जाएंगे, गर्दन को धीरे से ऊपर करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, विश्राम, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, इसी को ही थोड़ा स्पीड से करेंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक, स्पीड में भी हम सांस के साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, लेते हुए सामान्य स्थिति, फिर छोड़ते हुए झुकेंगे, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे तिर्यक त्रिकोणासन, अपोजिट लेग को टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए एक, कुछ देर होल्ड कीजिए, पहली बार में दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर, राइट पोस्चर, सांस लेते हुए दो, फिर सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट लेग को टच करेंगे, एक, कुछ देर होल्ड, दृष्टि ऊपर वाले हाथों पर, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी इससे एक्सरसाइज हो रहा है, थोड़े स्पीड करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथ आगे की ओर कर देंगे इस तरह, सांस छोड़ते हुए एक और झुकेंगे, राइट घुटना बेंड होगा, लेफ्ट घुटना पूरा स्ट्रेट ही रहेगा, एक, सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन दो, एक दो, अपर बॉडी जहां था वहीं रहेगा, सीधा, मतलब सीधा ही रहेगा, सामने ही देखेंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथ कमर पर, राइट पैर को हम लोग सामने सामने की ओर कर लेंगे इस तरह, राइट पैर सामने, सांस लेते हुए पीछे जितना हो सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग होंगे, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन, दूसरी ओर, एक, सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, जितना ऊपर हो सकते हैं सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, और एक बार रिपीट करेंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम, रिलैक्स, कुछ सेकेंड। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ इस तरह पोजीशन में आ जाएगा, सांस लेते हुए पूरे बॉडी को खोल देंगे, एक, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन, एक दो तीन चार, पूरा छाती में सांस भर लेंगे, आते समय पूरा छोड़ देंगे, पांच छ सात आठ नौ दस, विश्राम, रिलैक्स, पूरे बॉडी को छोड़ दीजिए, डीप ब्रेथ लेंगे, सांस को पूरा छाती में फील कीजिए, जो सांस छोटी छोटी चल रही थी, थोड़ा डीप ब्रेथ होगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा बॉडी में। नेक्स्ट हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, टाइम भी कम है, यस। कुछ आसन करेंगे हम लोग, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा आसन, पहले हम करेंगे गोमुखासन।
बेस्ट आसन फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, बैक साइड के लिए जो जिसको भी स्पॉन्डलाइटिस है वो लोग कर सकते हैं, हर कोई के लिए है ये आसन, बहुत बढ़िया आसन। गोमुखासन है ये, वो आप जो कर रहे हैं प्रहरी सर वो अर्ध मत्स्येन्द्रिय आसन है गोमुखासन। इस तरह जो हाथ जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर जाएगा, दोनों हाथ को आप पीछे तरफ टच करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है गर्दन सीधी, कुछ देर होल्ड पोजीशन में रखेंगे, आंखें बंद करके स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले वाइब्रेशन को फील कीजिए, कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए, बहुत ही उत्तम आसन। अगर स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा एक ब्रेन है, उसको भी हम अगर ठीक रखते हैं तो पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा हमारा स्वास्थ्य। ऑपोजिट साइड दूसरे पैर से करेंगे, अभी इस पैर में वज्रासन में बैठेंगे, दूसरे पैर को उठाकर इधर ले आएंगे, टच नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पोस्चर राइट होना चाहिए, धीरे धीरे टच होने लगेगा, बस आज कितना हुआ है कल थोड़ा उससे आगे आया, ऐसा थोड़ा हम अपने आप को देखेंगे तभी हमारा फायदा होगा। हर दिन एक ही पोजीशन में उतना ही आ रहा है तो मतलब हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा ज्यादा, कुछ देर होल्ड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान केंद्रित, जैसे आप पूरा सांस जो ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है और वहीं से वापस आ रहा है। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। अर्ध मत्स्येन्द्रियासन में हम ऐसे ही एक पैर, जैसे हम ऐसा बैठते हैं, एक पैर से बैठे दूसरा पैर को इधर ले आए और हाथ को इस तरह करके करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। गर्दन ऑपोजिट साइड, गर्दन कोशिश कीजिए थोड़ी आपका कंधे से लग जाए और दृष्टि पीछे वाले हाथों पर, पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा आंखों का भी आसन हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब हम दृष्टि एक हाथ पर केंद्रित करते हैं हमारा आंख अभी दोनों इधर है, इसलिए योगा में सिर्फ मतलब बहुत सारे बेनिफिट के साथ हम लोग योगा कर सकते हैं अगर सांस के साथ करेंगे तो। विश्राम, दूसरे साइड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। इंसुलिन सिक्रेशन, जिसको डायबिटिक है, थोड़ी कंधों पर दृष्टि, पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश, कुछ देर होल्ड जब हम करते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा होल्डिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाने का। विश्राम, रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड के लिए और एक आसन हम लोग लेट कर करेंगे, हमने ये दो आसन के, वज्रासन, वज्रासन अपने हाथों के सहायता से लेट जाएंगे वज्रासन स्थिति में, एकदम आराम से धीरे धीरे लेटिए, कोई मतलब बॉडी में जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, हाथों के सहायता से धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर करेंगे, सेतु बंध आसन, पूरा सिर पे होने वाले वाइब्रेशन को फील करेंगे, पीठ आपका ऊपर उठ गया है, बैक पोर्शन, हेयर फॉल जिसका होता है वो लोग भी इस आसन को करें, क्योंकि यहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ, मस्तिष्क की तरफ हो रहा है, कुछ देर होल्ड करेंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति, हाथों की सहायता से पहले गर्दन को नॉर्मल कीजिए, धीरे धीरे एक एक पैर को निकालेंगे, आसन में एकदम सरलता से जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे।
लेफ्ट साइड मुड़ते हुए धीरे से उठेंगे। सुप्त वज्रासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए था हमारा, जितना आसन आज हम लोगों ने किए 5 आसन बहुत ही उत्तम। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कुछ प्राणायाम के साथ एंडिंग करेंगे। कोई भी पोजीशन जिसमें आप आराम से बैठते हैं बैठेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, सांस को छाती तक लेंगे, छाती से छोड़ेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लेने से छाती फूल रहा है, सांस छोड़ने पर छाती सिकुड़ रहा है, पूरा ध्यान छाती के फूलने और सिकुड़ने पर, कमर से भी गर्दन से भी। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा ले सकते हैं। जितना सांस लिया है उसको पूरा खाली कर देना है, कुछ रखना नहीं है अंदर, जितना सांस भरेंगे पूरा खाली कर देंगे। शुद्ध वायु मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और जो भी टॉक्सिक एयर है बॉडी से बाहर आ रहा है, फिल करके कर सकते हैं। विश्राम नेक्स्ट करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती 60 टाइम्स करेंगे। सांस छोड़ने से पेट अंदर, सांस लेने का काम अपने आप होगा। एक्टिवली सांस को छोड़ेंगे, पैसिवली सांस को लेंगे। ध्यान नाभि केंद्र पर, जिसको पता नहीं चलता वो अपने पेट पर इस तरह हाथ रख के फील कर सकते हैं हाथ का अंदर और बाहर आना। पेट को जितना अंदर लेंगे उतना अच्छा है। फील कीजिए पूरा पेट स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा है। विश्राम नाभि पे होने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशन को फील करेंगे। पूरा ध्यान नाभि पर। जिस जगह पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं उस जगह के सारे फंक्शन राइट होने लग जाते हैं फ्रेंड। मतलब ध्यान का मेन जो रीजन है हम क्यों ध्यान करते हैं, किसी भी पार्ट में जहां पे हम फोकस करते हैं वहां के सारे फंक्शन धीरे धीरे राइट होने लगते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिबंध एक बार। डीप ब्रेथ ले लीजिए, सांस को छोड़ देंगे, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट अंदर की ओर, थोड़ी गले से तीनों बंध को रोक कर रखेंगे। जिसको पाइल से उसके लिए बहुत ही उत्तम आसन, और जिसको मतलब ज्यादा खांसने से अपने आप मतलब यूरिन हो जाता है वो लोग भी इस आसन को लगातार अगर करेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। जब घुटन फील हो, सांस लेने के पूरे जोर से आवश्यकता हो, तब सांस को लेके उठेंगे। विश्राम बहुत सारे प्रॉब्लम का इलाज है और हमारे सूक्ष्म नाड़ी को जो ब्लॉकेज हो जाता है उस नाड़ी को भी खोलने का काम करता है, लेकिन जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो इसको ना करें।
नेक्स्ट हम करेंगे अग्निशर, पूरा सांस को छोड़ देंगे, पेट अंदर बाहर ग्राइंडिंग करेंगे। बच्चों के पेट में चूरना हो गया बोलते हैं ना, कि किरमी किरमी हो गया, या बड़ों के पेट में भी होता है, अगर ये इसको हम रेगुलर करते हैं तो वो प्रॉब्लम से भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। पेट में जो भी प्रकार के कीड़े हो जाते हैं वो नहीं होंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम इस एंडिंग करेंगे ओम के साथ, आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, अपनी जगह पे प्रणाम करेंगे, उठेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज टुडेज योगा। थैंक यू, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। थैंक यू सो मच सर, सॉरी सॉरी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमारा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है आज, क्योंकि सुबह का ये जो सेशन अटेंड करके और आपका ये जो प्राणायाम का टिप्स लेके पूरा दिन हेल्दी हो जाता है, एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे मदन सर के लिए भी बिग क्लैप्स होने चाहिए, उनके लिए अच्छे कमेंट्स होने चाहिए। सो थैंक यू मैम, थैंक्स टू ऑल। अब हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो।